टूट गया नियति का सपना। नियति अब नहीं बन पाएगी माँ। जी हाँ, सीरियल जीजी माँ में आज रावत परिवार में छाया हुआ है मातम का माहौल, जहाँ नियति का हो गया है रो रो कर बुरा हाल। नियति के मिसकैरेज के बाद नियति अपसेट है और जिस रूम को उसने विधान के साथ मिलकर अपने आने वाले बच्चे के लिए सजाया था, आज उसी कमरे में नियति रो रही है। क्योंकि नियति का मिसकैरेज हो जाता है तो नियति और विधान बेसिकली रूम डेकोरेट करते हैं अपनी बेबी के लिए, आने वाले बेबी के लिए। तो नियति बार बार उस रूम में जाके रोती रहती है, उसे बुरा लगता है कि अब बेबी नहीं रहा। तो फाइनली विधान ये बोलता है कि अब ये सारे टॉयज हम ऑर्फनेज में डोनेट कर देते हैं। तो वही हम सब कलेक्ट कर रहे हैं और नियति को सारे फ्लैशेज आ रहे हैं कि कैसे हमने बेबी का रूम डेकोरेट किया था, तो सारे फ्लैशेज मुझे आ रहे हैं। नियति को इस हाल में देखकर विधान और जैन भी हैं परेशान और विधान भी अपने बच्चे के खोने के गम में काफी अपसेट हैं। ऐसे में जयंत विधान को हिम्मत रखने को कहते हैं और नियति को भी संभालने को कहते हैं। हाँ, फैमिली भी काफी सैड है। विधान भी पूरी बुरी तरह से टूट चुका है, लेकिन क्योंकि एक माँ को ही पता चलता है उसका बच्चा खोने का दर्द। तो उसके जो डैड है वो विधान को समझाते हैं कि तुझे तो हिम्मत रखनी होगी। तो फिर विधान आता है मेरे पास और मुझे कंसोल करता है, फिर हम जाते हैं ऑर्फनेज में। वहीं दूसरी तरफ उत्तरा देवी की साजिशों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो मानो फाल्गुनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जी हाँ, गोवा में फाल्गुनी को मारने का प्लान फेल होने के बाद भी वो फाल्गुनी को एक बार फिर मारने की करती है कोशिश, जिसमें फाल्गुनी एक बार फिर बच जाती है। हम वेकेशन पे गोवा गए थे, पर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है वहाँ गोवा में, जिससे फाल्गुनी जो है वो कोमा में चली जाती है और नियति जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो अब बस फाल्गुनी कोमा में है, तो इसका फायदा उत्तरा देवी तो कैसे नहीं उठाएगी, वो उठाएगी क्योंकि वो गई गोवा इसलिए थी ताकि वो मुझे मार सके। तो वहाँ पे तो मैं मरी नहीं, तो यहाँ पे वो सोचती है कि कोमा में इसका होने का फायदा उठाया जाए। तो वो पिल्लो से मुझे मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भगवान हमेशा फाल्गुनी के साथ होते हैं, तो वो जाग जाती है और सासुमा को धक्का मारती है और वो खुद भी शॉक में है कि ये सासुमा क्या कर रही है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि ये सारी चीजें उन्होंने ही प्लान की होती गोवा में भी। और अपनी इस चाल में भी कामयाब ना होने की वजह से उत्तरा देवी चल देती है यहाँ फाल्गुनी के खिलाफ एक और चाल, जिसमें नियति के साथ गोवा में हुए इस हादसे का इल्जाम फाल्गुनी पर आ जाता है, जिसकी वजह से सुयश फाल्गुनी को घर से निकल जाने को कहता है। अभी वो शॉक में ही होती है कि सुयश आ जाता है वहाँ पे और अब उत्तरा देवी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उनको पता है कि अब ये भांडा फोड़ देगी मेरा। तो वो क्या करती हैं, एक बॉटल उठाती हैं और अपने सर पे मार लेती हैं और मुझ पे इल्जाम लगा देती है कि मैं उनको मार रही हूँ। तो वो बहुत ही चालाक हैं, तो ऐसे उन्होंने कर दिया और सबको कन्विंस कर लिया घर में कि मैं ही मतलब हूँ, मतलब जो राज करना चाहती हूँ और सबको मारना चाहती हूँ। तो वो क्रिएट कर देती है वो इल्यूजन सबके दिमाग में और ऐसा अब बेचारी फाल्गुनी को घर से निकाल दिया जाता है। नियति के साथ हुए इस साजिश की वजह से उत्तरा देवी ने उठा लिया है इस सिचुएशन का फायदा और सारा इल्जाम लगा दिया है फाल्गुनी के ऊपर, जहाँ सुयश को भी नहीं हुआ है फाल्गुनी पर यकीन। वो अच्छे पति तो है, वो फाल्गुनी से प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं उनपे। तो अगर माँ ने बोल दिया कि ये गलत है लड़की, तो वो गलत है उनके लिए। तो बस वो मान लेते हैं ये बात को और फाल्गुनी को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। वेल, अब देखना होगा कि फाल्गुनी अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करने में कामयाब होती है या फिर उत्तरा देवी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।